अच्छा यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठ के आया है, जैसे सर ने बताया कि उनकी शादी 51 साल पहले हुई थी और लव मैरिज हुई थी। मैं यहाँ पे बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि शादी अपनी मर्जी से करनी चाहिए तो ठीक रहता है कि माँ बाप की मर्जी से करें तो ठीक रहता है? हाँ जी, हेलो कपिल जी। हेलो जी। शादी अपने मर्जी से करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट्स यही होते हैं कि आप अपने हस्बैंड को पहले से ही जानते हो, मतलब जो बनने वाला है हस्बैंड पहले से जानते हो, पहले से आपके अंडर में ही रहते हैं, आप जो बोलो। तो आपकी लव मैरिज हुई है? हाँ, लव मैरिज हुई। तो मेरे हस्बैंड आपके क्या हाल है सर? हेलो जी। इनका नाम है जिंदा शहीद। तो आपका भी यही मानना है कि अपनी मर्जी से शादी हो तो बेस्ट होता है? मर्जी से होनी चाहिए, बट मैं इसके अंडर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलिए ये लाइन हम हटवा देंगे ताकि आपके ऑफिस में कोई कहे ना आप करे बीवी के अंडर। और अगर बीवी कोई अच्छी सलाह देती है तो उसके अंडर रहो भी तो कोई बुरी बात नहीं है। खास बात नहीं है, जरूरी नहीं कि हर बात में आदमी सयाना हो। कुछ चीजें ऐसी होती जो औरतें ही बड़ा अच्छा सोच सकती है, जैसे हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपने कहा कि अपनी मर्जी से हो शादी तो अच्छा रहता है, पर मेरा ये भी मानना है कि जरूरी नहीं है कि माँ बाप अगर ढूंढते हैं तो वो खराब ही होता है। नहीं आजकल, लेकिन अरेंज मैरिज होती कहाँ है, बहुत कम आजकल अरेंज मैरिज बिल्कुल नहीं होती। इस बात से कितने लोग सहमत है? अरेंज मैरिज होती है ना अभी? होती है। हाँ। नहीं वो तो मुझे पता है। तो मतलब अरेंज मैरिज की आप हक में है के? अरेंज मैरिज के हक में हूँ मैं। लव मैरिज के खिलाफ है? हाँ। अब आया मजा। जब दो औरतों की बहस होगी ना देखना क्या। मैम आप प्लीज 2 मिनट खड़े होइए। आप मैम आप किस तरीके से कह सकती हैं कि शादी आप अरेंज मैरिज इज बेस्ट? कल अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो अपने अपने मम्मी पापा के पास जा सकते हैं, या अपने सास ससुर अपने सपोर्ट में रहेंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। लव मैरिज करेंगे तो अपने को कौन समझाएगा, तू गई छू तेरा प्रॉब्लम तू संभाल, ऐसा बोलेंगे ना। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जी मैम। नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं है कि है ना सास ससुर साथ नहीं देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क, वो अपने हस्बैंड को ही नहीं लेके आई साथ में। मेरे हस्बैंड मेरे पे इतना विश्वास है, कहीं पर भी मेरी बीवी जाएगी वापस आएगी। आपके हस्बैंड का विश्वास नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरा साथ देते हैं, वो उनका साथ नहीं देते। मेरे हस्बैंड मेरी साथ देते हैं, इसलिए बोले तू जा एंजॉय कर बेटा, मैं ऑफिस जाता हूँ। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक बात तो साबित हो गई कि दोनों पहलू हैं, हर चीज के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। अब पता नहीं क्या है, अब जिसका होता है वही जाने भाई, हमारा तो हुआ नहीं अभी। जी और कोई कुछ इस मुद्दे पे बोलना चाहता हो मेरा भाई बंधु? जी सर। क्या बात है। हाय कपिल। नमस्कार जी। मैं मेरठ से आया हूँ, मेरा नाम अभय है जी। मैं आप ही के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पोएट हूँ और आपके लिए 4 लाइन लिखी हैं, सिद्धू भाई के लिए 4 लाइन लिखी हैं। अरे वाह सर, पेश करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। पेश कीजिए सर, नेकी और पूछ पूछ। तसव्वुर ही में था जो सामने वो आ जाएगा। वाह। तसव्वुर ही में था जो सामने वो आ जाएगा, कि गम हारेंगे और खुशियों के सर पर ताज आएगा। वाह वाह। और कपिल के फैज से अब सारी दुनिया में यही होगा, कहे कहूं के सर पे ही अब ताज आएगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। चार मिसरे सिद्धू जी की नजर है। ठोक दो सर, ठोक दो। वो एक झरना हंसी का, वो एक झरना हंसी का और खुशी का यार है सिद्धू। वाह वाह। महकता फूलता फलता हुआ गुलजार है सिद्धू। महकता फूलता फलता हुआ गुलजार है सिद्धू, और बयां अल्फाज में करना उसे मुमकिन नहीं यारो। बस इतना जान लो कि सर से पैर तक एक प्यार है सिद्धू। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया। और आपने जो शायरी कही उसके जो लफ्ज थे वो बड़े सर खूबसूरत आपने यूज किए। थैंक यू सो मच आने के लिए। छा गए सर। सो जैसा कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि सलमान खान हमारे साथ बने रहेंगे, और वो हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हैं। डेजी शाह यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत परफॉर्मेंस देने वाली हैं। सो एक बार जोर से चलो जुम्बे।
थैंक यू। आधी आधी रहा करो। डेजी वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। डेजी व्हाई यू सो लेजी, इतनी टैलेंटेड हो के इतनी लेट क्यों फिल्मों में आई? वो कहते हैं ना, नसीब से ज्यादा किसको नहीं मिलता, तो शायद अभी लिखा था मेरी डेस्टिनी में एक्टिंग में आना। तो अभी अभी कैसे हुआ मतलब? मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी पहले। अच्छा, और किनके साथ? गणेश आचार्य। अच्छा जी, उनके साथ। तो आगे बढ़ना था, क्या करे, तो मॉडलिंग सोचा, मॉडलिंग ट्राई करते हैं, मॉडलिंग का नेक्स्ट स्टेप एक्टिंग, और सर ने स्पॉट किया और हो गया। तो डेजी कैसे मुलाकात कैसे हुई सलमान जी से? शायद साउथ अफ्रीका में आपने स्पॉट किया था। उसके पहले आप डांसर में भी तो थी, पीछे डांस करती थी आप, गणेश आचार्य जी के पीछे डांस करते थे। किसी ने सही कहा कि हीरे की परख जो होती है जौहरी को होती है, लेकिन आपको इतनी परख है मतलब गणेश जी के पीछे भी आपको दिख गई। गणेश आचार्य जी के पीछे तो हाथी ना दिखे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, गणेश आचार्य जी हमारे हिंदुस्तान के एक नामी ग्रामी कोरियोग्राफर है, बट बड़े से बहुत बड़े कोरियोग्राफर है। भाई आपकी नजरें कहाँ कहाँ घूमती है। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरे लवली। जैसे आपने बड़ी स्ट्रगल किया ये वो, मैंने भी इनकी दिशा निर्देश में एक शो किया, ये जज होते थे, रात को सो जाते थे। सुहेल भाई अभी भी सो रहा है। सुहेल भाई ने जब अपनी पहली फिल्म की थी प्यार किया डरना क्या, धमाल सुपर डुपर हिट फिल्म, इतनी सुपर डुपर फिल्म के डायरेक्टर होने के नाते आपने कभी सोचा था आपको कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा? This is the first time I've come for promotion. और मैंने ये भाई को भी कहा था कि जब भी हम यहाँ आएंगे तो मुझे आना है, because मुझे अपने भाई अपने दोस्त कपिल से मिलना था। Love you, Sohail भाई। ये सोहेल भाई का बड़प्पन है और इन्होंने हमेशा ही appreciate किया। कभी भी डेढ़ शाना। ये भाग रहा था ये अभी। भाग रहा था। Because I genuinely feel that you know this, ये show पे if you come और अगर आप कुछ contribute नहीं कर सकते क्योंकि आप सो रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जय हो के डायरेक्टर तो है ही हैं, साथ में मेरी अनरिलीज डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर भी है। बड़ा शोर शराबा हो गया था कि सोहेल भाई कपिल को शेर खान में ले रहे हैं। अच्छा सोहेल भाई, हमारे ना सबके दिलों में एक बात है कि जब आप आपस में फिल्म बनाते हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, सलमान भाई उसमें एक्ट कर रहे हैं, तो पैसों का लेन देन मतलब कैसे होता है? कभी ऐसा हुआ कि सलमान भाई पैसे मांगे तो आप कहें नहीं नहीं मैंने भी तो बचपन में बर्फ का गोला खिलाया था? ऐसे ऐसी बातें होती बचपन का हिसाब था अभी। मैं आपको कि हमारी जो पिछली फिल्म थी हेलो ब्रदर थी, तो डैडी ने फिल्म देखी और डैडी बाहर आए और डैडी ने कहा ये दुनिया के सबसे महंगी होम वीडियो होगी। पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं, चाहे अपनी फैमिली मेंबर ही हैं, लेकिन जैसे सलमान भाई को किसी ने साइन करना हो ना तो 4 साल बाद की डेट मिलती है, 3 साल बाद की, तो ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा होता। आप देख लीजिए सगे भाई को भी पहुंचने में हेलो ब्रदर के बाद कितने साल बाद। मैं आपको एक हालत बताता, जब मेरा टर्न था और भाई ने कहा कि हम फिल्म साथ में करेंगे, लेकिन कुछ अच्छी चीज मिल नहीं रही थी तो बहुत स्क्रिप्ट सुनी और फिर शेर खान आल्सो वेंट अंडर प्रोडक्शन, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू मेक। बलि बकरे की ही चढ़ती है। इन्होंने स्क्रिप्ट में टाइम लगा दिया, हर बात दे दो बना दी। तो फिर मैंने खुद कहा कि भाई कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है तो काम कीजिए आप साजिद भाई की फिल्म शुरू कर दीजिए, एंड वी विल गेट समथिंग नाइस एंड वी विल स्टार्ट। एक दिन भाई का मैसेज आया गॉट इट, तो मेरे दिमाग में याद था कि आप वीजा मिला है, बेल मिला है क्या? ये बड़ी सही बात कही सोहेल भाई ने कि जब आपस में काम करेंगे साथ में मिलके तो कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आप किसी और के साथ करते हो ना तो कल को कुछ खराब हो जाए तो आप दूसरे पे इल्जाम भी डाल सकते हो। यहाँ तो आप डाल भी नहीं सकते अपने घर पे।
तो सोहेल भाई कभी ऐसा भी हुआ कि आप सलमान भाई के पास फिल्म का प्रोजेक्ट लेके गए हो और उन्होंने 50-60 करोड़ मांग लिया और आपने पापा से बोल के कम करवाया उसका? आई बिलीव इन वन थिंग दैट पैसा घर पे है कोई भी लेके आए कोई भी लेके आ पैसा तो घर पे ही है सो दैट्स वन थिंग आई डोंट गेट इनटू एंड एक्चुअली ऑल आवर ब्रदर्स घर में पैसे आ गए दैट्स मोर देन इंपॉर्टेंट पैसे भी यहाँ पे और यहाँ पे वहाँ पे नहीं है पैसे भी खान साहब के साथ ही है टाइगर के पास ही है वो डैडी के पास ही है पैसे डैडी वो 1000 रुपए मिलेंगे क्यों अभी हम बहुत सालों के बाद हम 1,00,000 रुपए पे डैडी वो उधर थोड़े थोड़े किधर 4 दे दीजिए अबे 3-4 हज़ार का करोगे क्या तुम लाख सही बात क्योंकि हमारे जो माँ बाप है वो तो इतना स्ट्रगल किया पाजी उन्होंने भी अपनी लाइफ में तो उनको यही लगता है कि बच्चे इतने पैसे खर्च के क्या करेंगे और उनको थोड़ी ना पता बच्चे अब सलमान खान है सोहेल खान है मेरे कजिन है जो डैड के भाई के बच्चे हैं मेरी उम्र में ग्रैंडफादर बन गए उनका अपना स्टैमिना